गया जिले के सोनडीहा गांव के पास एक दर्जन का अपराधियों ने मां बेटी के साथ बुधवार की देर रात दुष्कर्म किया। यह गांव को थाने और गुरूर प्रखंड में है। आंती थाना क्षेत्र के रहने वाले इस परिवार के मुखिया को अपराधियों ने पास में ही पेड़ से बांध दिया था। पुलिस ने सोनडीहा में छापामारी कर कई युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं इनमें से दो युवकों की पहचान पीड़िता ने कर ली है। गुरूर में निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अपनी पत्नी व बेटी के साथ घर जा रहे थे। सोनडी गांव पार करने पर कौनसी रोड पर छिनतई की घटना को अंजाम देने की फिराक में रहे करीब एक दर्जन अपराधियों ने डॉक्टर की बाइक रुकवाई। इसके बाद हथियार के बल पर तीनों को सड़क से थोड़ी दूर ले जाकर डॉक्टर को पेड़ से बांध दिया। फिर सभी अपराधियों ने माँ बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटना से थोड़ी देर पहले गुरूर से घर जा रहे घोंगी मठ के राजेंद्र यादव ने इटवा के छात्र रणधीर कुमार के साथ मारपीट कर रुपए और मोबाइल छीन लिया था। इस बारे में एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पूरी घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। शक के आधार पर सोनडीहा गांव से 20 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पीड़िता ने इनमें से दो की पहचान कर ली है। दोनों युवकों से पूछताछ कर घटना में शामिल उनके साथियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोग जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, तो रास्ते में एक सुनसान जगह था, तो वहीं पे उस हरामी लोग 10-12 लोग थे। उन लोग गुंडों ने हम लोग को घेर लिया और मैं हम लोगों को घेर कर पूरा बाइक को नीचे गड्ढा में फेंक दिया और मेरे पापा, मेरी मम्मी और मुझे एक बहुत सुनसान जगह पे, मतलब खेत में ले जाकर बहुत दूर हम लोग को बैठाया वहाँ पे। फिर वहाँ पे बैठाया और बोला कि प्रशासन आने वाला है, जो तुम लोग के हाँ और ना में जवाब दो और मुंडे नीचे करके बैठो। और भी दो लोग थे, बहुत पहले से ही उन लोग को हाथ को बांध कर रखे हुए थे, उन लोग को भी बहुत पीटे। फिर बहुत कुछ पापा से पूछे कि क्या करते हो, और मेरे सब पेरेंट्स के पास थे और सब उन लोग के तो नहीं जानते उन लोग क्या किए, बट मेरे पास 3-4 लोग थे, उन लोग बहुत ही कमीने थे। क्या चाहती हैं बाप? हम चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरी लड़की के साथ हो, और मैं कानून से यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन लोग की सजा हो और उन लोग का फांसी की सजा हो।